शिवराज सरकार से नाराज आशा कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस समय अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। ऐसे में अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो काम पर आ जाएं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मैयर सहित पूरे मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं ने और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा और शासन प्रशासन के साथ बातचीत भी की जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि नियमितीकरण का ज्ञापन दिया गया था, मगर आज तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोग हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि बिना पेट के कोई भी आदमी जी नहीं सकता। इस महंगाई में हम लोगों को 2000 मानदेय दिया जा रहा है, इसमें अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह करें। हम लोग जब 2006 में पोस्टिंग हुई तब कहा गया था कि आशा कार्यकर्ताओं की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और आज 45 वर्ष हो गई है। अब क्या करें, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और ऐसे में अधिकारी काम का दबाव बनाए हुए हैं। हड़ताल की है हम 19 दिसंबर से और हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। हम 2006 से नियुक्त हुए हैं आशा कार्यकर्ताओं के उसमें, लेकिन हमको जीने लायक वेतन नहीं दे रहे हैं। सरकार वादे कर देती है लेकिन पूरा नहीं करती है। मध्य प्रदेश सरकार को SSP मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इनमें ध्यान देना चाहिए कि आज ये आशा कार्यकर्ताएं लगातार, मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल से अपनी लड़ाई के लिए, अपने पेट के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अभी सरपंचों को 4500 रुपये की मानदेय भत्ता बढ़ाया है और इन्हें भी लगभग 10000 रुपये मानदेय देना चाहिए। 2000 रुपए में एक महीने में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। हम लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं कि बिना पेट के कोई जी नहीं सकता है। आप ही सोचिए कि जिसके घर में आज के जमाने में 20 रुपए किलो आटा है, 20 रुपए किलो आलू है, हम लोग अपने 2000 में अपने बच्चों का, अपने घर का पालन पोषण कैसे करें। जब हमारी 2006 में नियुक्ति हुई थी तब कहा गया था कि हर आशा की उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए और आज जब 2022 चल रहा है तो हर आशा जब 25 साल में होती है 45 साल की ऑलरेडी हो गई। अब जब एनएम की भर्ती निकलती है तो वहां पे ये कहा जाता है कि 30 साल के बाद किसी भी आशा को एनएम के पद में नहीं लिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।